मिर्जापुर से डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का चेयरमैन बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। आज नगर के मध्य स्थित मदरसा अरबिया में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का चेयरमैन बनाए जाने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मदरसा इस्लामिया के प्रधानाचार्य अलाउद्दीन एवं संचालन मदरसा अरबिया के प्रधानाचार्य मौलाना नजम अली खान ने की। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन को अंग वस्त्र एवं माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। अपने संचालन संबोधन में मदरसा अरबिया के प्रधानाचार्य मौलाना नजम अली ने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद पहली बार ऐसा मौका आया है जिसमें चेयरमैन के रूप में हमारे जनपद का चेहरा सामने आया है। इसी की खुशी जाहिर करने के लिए आज मदरसा अरबिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की शिक्षा होती है, उसी तरह मदरसे के बच्चों के भी हाथों में कंप्यूटर होनी चाहिए। मदरसों की समस्याओं पर पूछने पर उन्होंने कहा कि समस्या पूरे देश में है, हमारा प्रयास रहेगा कि मदरसा की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। बताया कि आज ये मदरसा अरबिया में कार्यक्रम रखा गया था, चेयरमैन पद के जो नामित हुए हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज जो है हम लोगों ने जो है ये पहली बार जो है मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, जब ये चेयरमैन बनने के बाद पहली बार जो है ये मिर्जापुर की सरजमीन पे और मदरसा अरबिया की इस इमारत मदरसा अरबिया के हॉल में पहली बार जो है यहाँ तशरीफ लाए, और इसमें हमारे जो भी जिला मिर्जापुर के अनुदानित मदरसे हैं, पांच मदरसे हैं, पांचों मदरसे के हमारे जो सम्मानित जो टीचरान हैं, सभी लोग यहाँ पे और हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय और वहाँ के सभी स्टाफ के लोग, सभी लोगों ने जो है गर्म जोशी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे अपने डॉक्टर साहब को चेयरमैन साहब का जो है हम लोगों ने इस्तकबालिया दिया, और जो है हमारे जो भी मसाइल थे हम लोगों ने अपने मसाइल को जो है डॉक्टर साहब के रूबरू पेश किया, और डॉक्टर साहब ने यह कहा है कि चूंकि अभी बहुत कम ही वक्त हुआ है मुझे चेयरमैन बने हुए, इंशाअल्लाह जो है मैं आपके जो भी मसाइल हैं मैं उसको पूरा कराने के लिए जो है मैं कोशिश करूंगा।